हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में आपसी टेक में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूटी करंट गारंटी करंट की पैनल वायरिंग कैसे करते हैं, रिमोट वायरिंग, इंटरलॉकिंग, ओवरलोड रिले और भी बहुत कुछ विथ डायग्राम। इसमें डायग्राम के साथ आपको समझाया गया है, तो वीडियो पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, 440 से 220 वोल्ट ये मेन कॉन्टेक्टर है, बाकी ये 6 कॉन्टेक्टर हैं। सबसे पहले आप में यूटी करंट में आपको नॉर्मली पता है 6 कॉन्टेक्टर यूज होते हैं और 6 कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग करना पड़ता है, और इंटरलॉकिंग के लिए हमें एनसी कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एनसी पॉइंट की। ये 6 कॉन्टेक्टर हो गए, K1, K2, K3, 4, 5, 6 और ये मेन कॉन्टेक्टर। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये है कि कॉन्टेक्टर के जो कोयल 220 वोल्ट की कोयल होती है या जो भी अलग अलग वोल्ट हो, उस हिसाब से हमें सप्लाई देने के लिए सबका A1 जो है वो लूप करके कॉमन करना है। जैसे अब हमारे पास 7 कॉन्टेक्टर हो गए, एक तो मेन कॉन्टेक्टर जिससे पूरा पैनल कंट्रोल होगा, उसके अलावा 6 कॉन्टेक्टर अप डाउन, रिवर्स फॉरवर्ड, लेफ्ट राइट, सबका A1 कॉमन कर दिया और इसको हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया। बहुत इजी तरीका है दोस्तों, आसानी से देखे, आराम से देखे, बार बार देखे, समझ में नहीं आता है तो आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ विदाउट एनी ओवरलोड रिले लगाए हुए। आप इसमें चाहे तो ओवरलोड रिले वगैरह भी लगा सकते हैं। ये हमने A1 सबका कॉमन कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो भी है इंटरलॉकिंग पे, तो आपको समझ में ना आए तो इंटरलॉकिंग जरूर देख लें। इंटरलॉकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला कॉन्टेक्टर है उसका एनसी पॉइंट दूसरे वाले A2 कॉन्टेक्टर के कोयल से लूप करेंगे। देख सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर जो पहले वाला कॉन्टेक्टर है उसका A2 दूसरे वाले एनसी से लूप करेंगे, ये इंटरलॉक हो गया है। अब हम इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में आगे। इंटरलॉकिंग एक कॉन्टेक्टर मतलब अप डाउन का इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम रिवर्स फॉरवर्ड टोली LT का इसको भी इसी तरह हम करेंगे, पहले वाले का एनसी दूसरे वाले काउंटर के A2 से। बहुत इजी तरीका है, आप देखते ही समझ जाओगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी तरह दूसरा हो गया, अब तीसरा भी हो गया। अब जैसे कि आप ये तीनों का इंटरलॉकिंग पूरा हो जाने के बाद हमारे पास एक एक एनसी का पॉइंट बचा है सबका। इससे पहले मैं एक रिमोट का सिंबल बना लेता हूँ, कार्ड स्विच। मैंने रिमोट का कार्ड स्विच का सिंबल बना दिया है, लगभग 6 NO है इसमें, अप डाउन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इन सबको हम बचे हुए एनसी जो है
पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, सारे एनसी पॉइंट रिमोट में कनेक्ट करेंगे एनओ के एक दूसरे वाले सिरे में रिमोट के। सारे एनसी पॉइंट हम रिमोट में कनेक्ट करेंगे। ये हमारे सारे कनेक्ट हो चुके हैं कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट रिमोट के थ्रू। ये 220 वोल्ट का पैनल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी कंट्रोल वायरिंग देना चाहे तो यहाँ पे रिले कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा और पावर सप्लाई का भी यूज़ करना पड़ेगा। 24 वोल्ट 110 वोल्ट जो भी सप्लाई देना चाहो उस हिसाब से। अब हमें ट्रांसफार्मर से एक लाइन वायर लेना है और उस लाइन वायर को हमें मेन कॉन्टैक्टर के थ्रू ये रिमोट में हमें एक एनसी पॉइंट दे देते हैं कंट्रोल ऑफ के लिए। लाइन वायर हम ट्रांसफार्मर के एनो पॉइंट से घुमा के लेंगे। A2 से डायरेक्ट लिंक कर देंगे। जैसे ही हम एनओ को एनसी को कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर, कनेक्ट हो जाएगा एनसी। वैसे अलवाइज कनेक्ट रहता है हमेशा, तो ये कॉन्टैक्ट हमेशा ऑन ही रहेगा। जैसे ही हम एनसी को प्रेस करेंगे तो एनसी का संपर्क टूट जाएगा, एनओ में बन जाएगा और मेन कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, जिससे इमरजेंसी पैनल पूरा ऑफ हो जाएगा। अब इसी से हम वापस एनओ से घुमाते हुए लाइन रिमोट कार्ड स्विच से लिंक कर देंगे। बहुत ईजी तरीका है दोस्तों, ध्यान से देखें। और पसंद आने में प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।